ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ ਸਿੰਘਲਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ अपने वालों एक वेंचर एक हॉस्पिटल अपने वालों सेवावान देने वास्ते एक छोटी जी कोशिश की है वो हॉस्पिटल असी इनॉगरेशन वास्ते सबनों अज असी इनवाइट भी कर रहे हैं तो साढ़े खुशी दे विच शामिल हो रेडियंस हॉस्पिटल इत्थे असी मेनली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी IVF इनफर्टिलिटी ते होर पेट दियां सारियां बीमारियां जिन्हां दे बच्चे नहीं हुंदे उन्हां होर सारियां बीमारियां दा इलाज करके कोशिश यह है कि इस सारे एरिया नूं असी अपनियां सेवावान दे सकीए ते उस दे विच असी सफल हो सकीए सारी कोशिश है छोटी जी की की केड़ी केड़ी जिहड़ी फैसिलिटी है कि दित्ती जा रही है जी लोकां नूं इत्थे सो हॉस्पिटल दे विच केड़ी केड़ी नवीं मशीनरी तुसीं इंट्रोड्यूस कीती विस्तार नाल दस्सो हॉस्पिटल दे विच असी अपने वल्लों लेटेस्ट मशीनरीज है जो लेटेस्ट टैक्नोलॉजी है लेप्रोस्कोपी है भावें IVF है भावें होर पेट दियां या होर बीमारियां ने हर चीज़ वास्ते जो लेटेस्ट पॉसिबल अपने वल्लों मशीनरी है वह लगाई है ताकि एरिया नूं असी वध तों वध सेवावां दे पाईए देखो ये मैं कहना चाहूंगी कि इतो एक जिन्हों कहने अज कल टाइम मॉडुलर ओटी ये इस एरिया दे विच किसे अजे नहीं हैगा असी अपनी कोशिश एक कीती उहनूं इत्थे लैके आण दी जिहदे विच एक असी प्रॉपर विद AHU जिहनूं असी कहिंदे एयर हैंडलिंग यूनिट दे नाल एक अपना असी वड्डा OT तैयार कीता है जिथे डॉक्टर साहब सारे जिन्नी भी लैप्रोस्कोपी हैगी एडवांस लैप्रोस्कोपी जिवें पित्ते की पत्थरी होगी हरनिया का ऑपरेशन हो गया या बच्चे वेट घटाने वाले जिहड़े ऑपरेशन हुंदे आ बैरियाट्रिक सर्जरी जिहनूं असी कहिंदे आ इस तों इलावा पाइल्स दी असीं नवीं टैक्नीक लैके आ रहे हां जिवें लेज़र नाल लेज़र होगी स्टैपलर होगी दैट इज़ अ वेरी न्यू टैक्नीक इस तों इलावा IVF ते ICSI दे विच मैं कहूँगी कि जिन्ना मेल्स के जिन्हें लगा लो कि मेल जिन्हें शुकराणु नहीं होंगे है उन्होंने असी एक इतने नवी टैक्नीक शुरू की है दैट इज़ ICSI जबकि पहला बड़े लोग कर रहे हैं पर ICSI दे विच विद टीजा अलोंग विद जिन्हों असी कहने कि PRP थेरेपी एंड स्टेम सैल थेरेपी दैट इज़ क्वाइट यूजफुल और स्टेम सैल थेरेपी इतने जो ट्राईसिटी पहला बच्चा मेरे को दिता हुआ है जिहड़ा कि अज तो 4 या 5 साल पहला हो गया हूँ तो बेटा भी साडा 5 साल का हो गया तो PRP स्टेम सैल थेरेपी दैट इज़ वेरी वेरी न्यू टूल फॉर एवरी इनफर्टाइल कपल जी आम लोगों के जी धारणा बनी हुई है भी प्राइवेट हॉस्पिटल लुट भी होंगी है तुसी ये आम नहीं असी आम लोगों लिए असी जेड़े रेट मोहाली के ने असी उतो काफ़ी घट्ट रेट से इतने असी सर्जरीज प्लैन कर रहे हैं तो काफ़ी घट्ट रेट से असी इतने IVF ते ICSI का प्लैन किया देखो एदा तो कहना मुश्किल हाँ देखो लाइफ स्टाइल तो अजकल टाइम हैगा ही हैगा जिदे विच के मेल्स हैगे जिन्होंने शुकराणु घट हुंदे ने सडनली जिवें व्याह नूं 1 साल होया उस तो बाद वो एकदम आते हैं पता चलता उन्होंने तो शुकराणु है ही नहीं है फिर असं उन्होंने इवैल्यूएट करते हैं कई बार कई रीजन से सानू रीजन भी नहीं मिलता कि क्यों होया पर मे बी हो सकता है कि उन्होंने जो वह पैदा हुए सीगे या छोटे हुंदे होए उन्होंने कितने ना कितने कोई सट लगी हो फिर एक मम्स की बीमारी कहने मम्स की बीमारी हुई हो क्योंकि उस टाइम तो छोटे होंगे कोई मम्स की कई बार कोई टीके नहीं भी लवाता है ये बहुत सारे रीजनस होंगे ने जोड़े एक बाद जो विह हों उस तो बाद निकल के आते हैं बट वी कैन नॉट कमेंट कि हाँ जो एक ही रीज़न है कि हाँ यह रीज़न करके ही है कि मेल के जो शुकराणु ने घट ने पर एक अज के टाइम के इट इज़ अ कैरी होम मैसेज कि घबराने वाली गल नहीं हैगी वी हैव ऑल दी फैसिलिटीज़ और जो तुम मतलब मैं 15 साल तो इतने IVF का लिए सर्विसिज दे रही हूँ इस तो पहला मैं तो डॉक्टर साहब असी 13 साल IVY हस्पताल अपनी सर्विसिज दिखा ने टोटल साडा ऑलमोस्ट 24-25 साल का एक्सपीरियंस हैगा तो इस तो इलावा जिहड़ा असी हुण ए रेडियंस हॉस्पिटल साडा एक सपना हैगा साडा एक अपना बेबी लगा लो कि जिहड़ा असी इधरले एरिया दे विच लैके आए हैं कि अपने वालों असी बेस्ट तो बेस्ट कर सकीए और जिन्हां दा रेट असी थोड़ा जिहा अपने वालों घट रख सकीए नहीं नहीं IVF तो देखो कोविड स्ट्रेन नाल कुछ ऐसा कोई मतलब नहीं हैगा कोविड लई ए है कि जेडे कोविड दी स्ट्रेन आ उहदे विच ए कि एक ए नहीं हैगा कि आपां लेडी नूं ए नहीं कह सकदे कि वह मां नहीं बन सकती हैगी उहदे लई साडे कोल अपने प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैगे ने अजकल हुण वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली जेडे हैल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने तो वैक्सीनेशन लग चुकी है लेकिन जेडे बाकी पैरामेडिक स्टाफ है ते बाकी जेडी जनरल पब्लिक है उन्होंने 15-20 दिन तक वैक्सीनेशन शुरू हो जानी चाहिए सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू अज इत्थे तुहाडे पहुंचे सीगे की समझते हो सरकारी जिहड़े हॉस्पिटल्स ने उहदे च की सुधार होना चाहिए
देखो सरकारी हस्पतालों मैं ये कहूँगी कि सर ने जदों के सर बने हैगे ने काफ़ी उन्होंने सुधार तो किया है। जे मैं कह सिविल हॉस्पिटल 6 फेज़ की जो मैं गल करा उ मेरे अपने फ्रेंड सर्कल चो काफ़ी डॉक्टर्स ने जो जॉब करते हैं, तो जे मैं हूँ अज की डेट के उ जाके देखा तो मैं बहुत अच्छा लगता है कि उतों का जोड़ा जच्चा बच्चा विभाग है उन्होंने काफ़ी सुधार आया है। हौली हौली सरकारी सेवावां भी हौली हौली पहले नालों बहुत इंप्रूव की ने, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होर इंप्रूवमेंट होनी ही होनी है। बड़ी खुशी की गल है कि इस एरिए एक अच्छा हॉस्पिटल जोड़ा हैगा विद गुड क्वालिटी सर्विसेज शुरू हो जा रहा है। डॉक्टर रिमी सिंगला और डॉक्टर रमन सिंगला जिन्होंने मैं क्या अज तो नहीं बड़ी देर तो जानता है, दे हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड और अच्छा काम किया उन्होंने मोहाली IV हॉस्पिटल दे विच और हुण अपना शुरू करन जा रहे हैं। बड़ी खुशी की गल है और मेरिया शुभेच्छावां जिहड़ियां हैगियां ने दोहां नाल है। आई थिंक इस एरिए दे विच भी काफ़ी देर तो जरूरत सी एक चंगे हॉस्पिटल की, तो मेरा ख्याल है खरड़ दे विच कोई खरड़ या इसके आस पास एरिया दे विच कोई यहोजा क्वालिटी सर्विस वाला हॉस्पिटल है भी नहीं सी। बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ देम फॉर दिस। सर असी पिछले समय की गल करिए कोविड महामारी के दौरान लोगों ने बहुत जरा बुरा समा देखा बतौर हेल्थ डायरेक्टर सर्विसेज आने वाले नवे समय के किस तरीके प्लानिंग्स ने कि लोगों को बेहतर सुविधावान जी दी जा। देखो असी हूँ कोविड की बीमारी तो बाहर निकल रहे हैं, उम्मीद यही है कि हौली जिमें साडे केसिस बहुत ज़्यादा घटते जा रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि जिमें केसिस जोड़े है बिल्कुल खत्म तो नहीं होंगे लेकिन एक बड़े लो लैवल तक जो असं पहुँच जाएंगे उसके नाल ड्यूरिंग कोविड भी असी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की और अगे अगे जोड़े है टाइम जो आ रहा वो असी अपने जोड़े साढ़े गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशनस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि असी उन्होंने सारे चीज़ों को इंप्लीमेंट करने कामयाब भी होवोंगे। जे आप कोविड का समा देखिए तो साढ़े जोड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है स्पैसीफिकली उन्होंने असी बहुत ज़्यादा नवा इक्विपमेंट लैके आता नवे डॉक्टर की रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा की है और दूजा पैरामेडिकल स्टाफ जोड़ा है वो बहुत रिक्रूटमेंट हुई है। सो वी आर होपिंग के आने वाला समा जोड़ा है वह साढ़ा पंजाब का साढ़े मानयोग जोड़े मुख्यमंत्री जी और मानयोग सेहत मंत्री दोहां दे एफर्ट्स दे नाल वी वुड बी इन पोजिशन टू हैव अ वेरी गुड हेल्थ केयर सिस्टम। अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं सो इन्हों के जो एफर्ट्स है वह जरूर रंग लैके आएंगे। जी सर इसी नाल ही गल करिए जेकर प्राइवेट हस्पताल की प्राइवेट हस्पतालों को कहा जाता है कि महंगे होटल ने जोड़े ना कॉर्पोरेट लेवल के उन्होंने बराबर अजक प्राइवेट हस्पताल हो गए हैं। बहुत सारी जगह पर असं देखते हैं कि एक हस्पताल का जेकर कोई टेस्ट करवाना तो एक हस्पताल का जोड़ा है रेट कुछ है दूसरे हस्पताल का कुछ है तीसरे हस्पताल का कुछ है अजे दे जो लोग ने अपनी फरियाद कितने लैके जान के साढ़े तो जो वध पैसा वसूलिया जा रहा। मैं अज एक प्राइवेट हॉस्पिटल खड़ा इस करके मैं इन्हों की निंदा तो नहीं करूँगा बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि आने वाले टाइम के असी कोशिश ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सैक्टर फैसिलिटीज़ वो लैके आईए जिहड़ियां के प्राइवेट सैक्टर के चंगे कॉरपोरेट हॉस्पिटल के बराबर दियाँ हो, तो मेरा ख्याल है फिर लोगों को प्राइवेट बहुत ही ज़्यादा जाने की लोड़ नहीं पेगी। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment, and share.